आज वीडियो स्वागत है और आज है रक्षाबंधन, तो हम सब की तरफ से आपको हैप्पी रक्षाबंधन। और बहुत सारी भी एम्बार्गो मैंने सुना है कि आज जो है वो लेट नाइट रक्षाबंधन का टाइम जो है वो स्टार्ट होगा और कल भी रक्षाबंधन है और कल हमने रक्षाबंधन की एक वीडियो भी की थी जिसके बाद में मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो लगता है हम बहन भाई नहीं है, वो हैरान हो रहे थे ये जो है देख करके हम दोनों बहन भाई हैं। तो भाई हम दोनों बहन भाई हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने हमें यूट्यूब जर्नी में काफी लेट ज्वाइन किया हो। बिल्कुल, मुझे लगता है कहीं पे लिख देना चाहिए सिब्लिंग्स, मुझे भी यही लगता है लिख देना चाहिए चैनल में कहीं पे ना सिब्लिंग्स। लेकिन खैर बहुत सारे मैं कमेंट्स ऐसे भी पढ़ती हूं जहां पर हमारे व्यूअर्स ही बता देंगे भाई वो सिब्लिंग्स हैं। और फिर उसके बाद एक और कमेंट आता है जो कि आप पढ़ के थोड़ा सा भाई फील करते हो कि भाई क्या, लेकिन फिर उसके बाद फिर आता है नहीं भाई वो सगे बहन भाई हैं। एनीवे गाइस देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन वीडियो कौन सी है पहले टाटा पूछे के बाद। टाइटल है मेक जोक ऑफ एमजीओ पापा वर्सेस बुआ 2023 रक्षाबंधन स्पेशल बाय सौरभ शुक्ला। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके तक मैं लोग चैनल का लिंक और शोरूम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सुरीला एक काम किया करो, पेट अपना घर पे रख के आ। कौन लड़ाई शुरू कर रहा है बताओ? अरे देखने में इतना अजीब लगता है। नहीं नहीं चिंता ना करो, जिम जाने लगे, दो दो घंटे ट्रेनर एक्सरसाइज कराता है। कौन जिम जा रही है? फूल अब तो नहीं रुक रहा? अरे इनका करावत करावत इनके ट्रेनर का वजन कम है 7 किलो। वाह, कल का प्रसाद भूल गए हो लग रहा। सुनीला कैसे बात कर रही हूँ, पति है? नहीं पति नहीं, पति का पता हम मना। अरे ये क्या हुआ? का हुआ कुटी का तारो का? अरे दाता विधाता हमारी सब गृहस्थी के नाश कर जा रहो तुम। अम्मा हम पहले कह रहे दिन का नीचे बिठावा करो, दूसरा खंड है छत न तरक जाए हमारी कहीं। क्या हुआ? अरे आओ धुनु देखो पोयम वाला सीन हो गया। कहाँ? हाथी बैठा कुर्सी पे, कुर्सी बोली चटर पटर। हाथी बैठा कुर्सी पे कहाँ? हटा हुआ देखे देखे धुनु बहु का चेहरा मार देते। अपने पापा जैसा निकलेगा क्या? पैर कौन छुएगा? पैर कौन छुएगा? पुआ पैर छुई पुआ छुई। आओ सुन्नू गदर 3 वाला खेले चल के। चलो आराम से खेलना। आराम से याद आया कोई प्रोबो ऐप बता रहे थे क्या? अरे हाँ, इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप प्रोबो, वो यस्नो वाला। हाँ इसमें ओपिनियन दो, इन्वेस्ट करो, कैटेगरी है जैसे क्रिकेट क्रिप्टो वगैरह सब, 1 करोड़ से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। आसान सवाल आते जैसे क्वेश्चन था ऋतुराज आयरलैंड के खिलाफ 50 से ज्यादा मारेगा, हम सही बताए, हम 54,000 जीत गए। चो अब जैसे क्वेश्चन है कि इंडिया पाकिस्तान से एशिया कप में जीतेगी, यस नो, हमने कहा यस, सही हुआ तो और जीतेंगे, लाइव मैच में इंस्टेंट प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, बाकी जीपे यूपीआई वगैरह से विड्रॉल हो ही जाता है, तो बस डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो, ₹25 वेलकम बोनस पाओ। सही चीज है, अभी डाउनलोड कर रहे हैं। बच्चे मार रहे हैं किसी को ना। अरे इतना हाथ चलता है इनका, काहे मारे डाल रही हमारे लड़का का? नहीं मेरे माँ। अरे माँ हैंडपंप खोले दे रहा है रिंच लेके, सामान मंगा रहे, सामान लानी नहीं, सामान नहीं ला रहा तो का मार डरी होगा त्योहार वाले दिन है। अरे अम्मा कौन मारे डाल रहा यार, शैतानी करेगा मारा नहीं जाएगा, तुम कुछ ज्यादा बोलती हो। जब 9 महीना कोक में रखा है तब तो कबाऊ नहीं कहे हो कि ज्यादा बोलती। अरे यार पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ ले जाने लगती। बच्चा तुम्हारे बाप में 1000 कमी रहे लेकिन जोरू गुलाम नहीं रहा कब। अरे यार जोरू गुलाम कहाँ से आ गया हमको ये बता दो। नहीं नहीं बताया तुमको। आओ धुन्नू बैठो, तुम हमारे पास बैठो, तुम्हारी मम्मी बहुत मर कही है। ये कैसे रो रहा है? अरे ऐसे ही रोता, जब रोता तो गाने की धुन निकलती है। संभालो मुझको। अरे यार चुप हो जा यार, कॉपीराइट पड़वा के मारोगे क्या? चलो भागो यहाँ से। अरे भैया आप लोग मिठाई खाओ, इन लोग के चक्कर में ना पड़ो। वैसे पेंट नया करवा दिया लग रहा। हाँ नया करा दिया, हम चीजें थोड़ा बदलते रहते हैं, मनूब जाता देख देख के। लेकिन पुराना वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा था, पता नहीं कैसा नसुंड जैसा है।
तुम्हारे घर से तो अच्छा है जो नीला कर आए हो, गाढ़ा नीला एकदम भूत घर लगता है। नहीं, लेकिन ये वाला आँखों में चुभ रहा है। हम उतनी देर से मतलब बैठे हैं तो अम्मा इसे गुस्से जैसी हो रही। हमको इतनी तेज गुस्सा लगने लगती जब हमारे कलर वलर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात कर देता। अभी मन कर रहा हम बुलडोजर मंगा दे पूरा घर तुड़वा दे। मैं तो सुना किसको रहे, तुड़वा दे, यही तो हम चाह रहे कि घर टूट जाए तुम्हारा। इधर से भी हम सुने, उधर से भी हम सुने, साला ससुराल में बैठे क्या भिखारी भीख मांगने आए क्या हम कोई? दमाद जी आप इन लोग के चक्कर ना पड़ो, ये लोग कुत्ता बिल्ली है, लड़त रही है। आप शेर हो? नहीं, हम शेर नहीं है। अम्मा, अम्मा, हम मतलब क्या इधर से भी पीसे उधर से भी क्या बीच का पिसना समझ लिया क्या? अरे यार, अरे यार नहीं, आई एम नॉट योर यार। बुलाइए बुलडोजर, चलवा दीजिए, हम भी देखे कैसे आता है। यहाँ पुपा लोग लीड रोल करते हैं, हम किनारे बैठे रहते तो कोई इज्जत नहीं करता, एकदम जूनियर आर्टिस्ट बना दिया गया। क्या है? मतलब भर का बोला करो, तुम कुछ ज्यादा बोल जाते हो तभी तुम्हारी इज्जत नहीं होती। तुम फिर बोली का गाला इसी गुस्सा जात तो कहो नहीं सुना। खिलाओ मीठा, खिलाओ, गुस्सा शांत होगा। कुछ नहीं खाएंगे हम, सब फेंक देंगे। नहीं भैया, ऐसा ना करो भैया, खा लो भैया। नहीं भाभी, हमको यहाँ बताओ कोई तरीका। भैया मान जाओ भाभी, लेकिन भैया मान जाओ। ओके लो, आप भी लो। मिठाई वहीं की होगी, गंगा पेड़ा वाले की। स्वाद बेमिसाल। सूरज साला पश्चिम से निकल सकता है लेकिन मिठाई गंगा के यहाँ से ही आएगी, भले सड़ी भई आए। नहीं तो तुमको सुरीला, तुम बोल बैना करो, अकेले थोड़ो लड़ ले, चुपे बैठो। देखो कहो महक रही हो। अरे तैयार 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 तैयार। क्या हुई का? अरे देखो चीटी कहीं नहीं। हाँ तो? हाँ तो? अरे चीटी। हाँ तो चींटी निकली है ना, सांप तो नहीं निकली है, वो मिठाई में। यही 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 हम कहते गंगा पेड़ा वाले के पास मिठाई ना लाओ, साला खिला खिला चींटी वहाँ की, मरवा डालो सब रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मार डालो। चींटी खाने से कौन मरा जाएगा? तो चींटी खाने वाली चीज है। खाए वाले लोग तो कीड़ा मकोड़ा सांप सब खा जाते, कुछ नहीं होता। तो हम चींटी खा ले, जैसी तुम्हारी मर्जी, खा पाओ तो खा लो, लेकिन इसमें तुम्हारे गंगा पेड़ा वाले की कोई गलती नहीं। हाँ तो कहो भर के दही, चींटी के चिपका के दही से तुम्हारी पापा, और तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। क्या गलती बताओ ना, इतना ड्रामा कर रहे हो, चींटी खाने से कुछ नहीं होता, चींटी सब खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ले खा लिया। फर्स्ट नहीं, अंदर लो, अंदर लो, अंदर लेना होगा, तुम्हारी बहन ने खिलाया है। हेलो भाइयों बहनों, ये वीडियो मैं सबूत के लिए बना रहा हूँ, अगर कल मैं मर जाता हूँ तो मेरी बहन इसकी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगी, इसको कुछ मत कहना, और गंगा पेड़ा वाले को 21 तोपों की सलामी देना, माला पहनाना। कर लियो ड्रामा, कर लियो कस के, कर लियो ड्रामा। मैं जान तो बना गई, तुम ड्रामा बना रही, पागल कहीं की, हम चीटी खा लिया है। तुम कुछ ना बोलना, नौटंकी कर रही होती देर, ऐसे बैठी रहो धृतराष्ट्र बने। मारो, हाँ माधरो खींच कंटाप खोपड़ी खुल जाए। ओके खुशी हो गई है। अरे किसी को चाटा पड़ा क्या? बड़ी तेज आवाज आई, किसको पड़ा? जय इसको पड़ा। पापा तुमको पड़ा क्या? तुमको पड़ा, रख के दिया क्या अम्मा ने? रख के दिया क्या? हाँ रख के दिया है, और तुमको भी रख के दिया। भाई समझ नहीं लगती कौन से बहन भाई ऐसे होते हैं जो इतना लड़ते हैं। वैसे लड़ने वाले कई भी होते होंगे क्योंकि अक्सर औकात जो है ना, कभी अब तो उसे काफ़ी देर हो गई है, वरना पहले हमारे मोहल्ले में भी बहुत सारी बातें आया करती थी डिफरेंट डिफरेंट घरों से लड़ने की। लेकिन इसे
बहन भाई होगा तो नहीं हमें पता होता, बट आज की वीडियो में सोच रही थी कि शायद रक्षाबंधन के लिहाज से हमें कुछ देखना पड़ेगा, कोई ऐसे हैप्पी मोमेंट्स देखने पड़ेंगे। ज्यादा ही हैप्पी थे, इतने हैप्पी थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी फैमिली कहाँ पर रहती है, और ऐसी फैमिली अगर रहती भी है तो पागल क्यों नहीं होती। लाइक सच में बड़ा मुश्किल होता है, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, और मतलब बहन भाइयों का वैसे मैंने कभी इतना झगड़ा नहीं देखा। मौसम को शायद पता हो किसी भाई, हम बहन भाइयों ने नहीं देखा वो एक अलग बात है, लेकिन लोग लड़ते होंगे आपस में जरूर। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स ने कभी बताया कि वो बहन भाई आपस में बहुत नहीं? मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे बहुत सुगड़ किस्म के हैं, वो नहीं लड़ते अपनी बहनों से, जैसे मैं नहीं लड़ता वो भी नहीं लड़ते। वैसे मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं लड़ता, सिर्फ मुंह बनाता है जब इसको बुरा लगता है, अदरवाइज ये लड़ाई शड़ाई वाले चक्कर हमारे घर में नहीं होते। बट ये कि भाई फुफा जी तो मैं कहती हूँ एकदम से, वो कहते ना कि अगर कोई बहुत ही सबर वाला है ना, लेकिन जब वो मुंह खोलता है ना, फिर उसके बाद उसके सबर का पैमाना लबरेज होने के बाद वो किसी का हट जाता है। लेकिन देखो भाभी जी जो हैं वो और फुफा जी, ये दोनों बनाए हुए हैं जो खामोश तबाह हैं, जो थोड़े मुझे लग रहा है मैं उर्दू का काफी इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ में काफी ज्यादा एक ना ठंडे मजाज वाले शांत लोग लग रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पर दोनों के जो स्पाउस हैं उनको तो मैं कहूंगी कि वो कहते हैं ना कि तौबा अल्लाह माफ़ करे, हाथ भी लगाओ ना तो काटने को दौड़ते हैं। भाई बुआ जी की अगर मैं बात करूँ ना, उनके सूट अगर देखे तो वो भी जो है ना काफी डिफरेंट टाइप आपको लग रहा था, वो कुछ फिल्में और ड्रामे होते हैं ना उसमें नागिन ने जैसे कपड़े पहने होते हैं, अच्छा, सांप की खाल वाले उस टाइप के जो है वो कुछ कपड़े लग रहे थे। लेकिन जो है जहाँ तक भाभी की बात आती है भाई, देखें वो भी तो बच्चे को चंगा को टप्पा चाट के आती है ना भाई, अपना क्या था गुस्सा कहीं पर तो निकालना होता है ना घर वालों का भी, तो भाई बच्चों का ये कसूर भी पैदा ही ना करें भाई, सबसे ले ये क्या बात है पैदा ही ना करें, कुट चाटने के लिए पैदा करना तो फिर ना करें। किसी का गुस्सा किसी में ट्रांसफर तो होगा ना, जब हम उस बंदे को नहीं मारते तो अपने से छोटे वाले को मारते, खैर भाई ऐसा नहीं है इतना ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि अब होता है घरों में बच्चों की पिटाई होती हो, नहीं होती है अभी भी होती है, जो थोड़े से घर हो गए ना डिफरेंट से वो, यानी कि जो थोड़े बच्चों को लाड प्यार में रखते हैं वहां पे तो नहीं होता, लेकिन अभी भी जो घर जैसे हमें अपने बच्चों में बड़ी कुट पड़ती थी, जो उस तरह हरकतें कुट खाने वाली थी, तो अल्लाह ने बताया कुट खाने वाली हरकतें होती है तो कुट पड़ती है ना। बन रहा है ना, मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से मेरी अम्मी ने हैंडल किया ना इन लोगों को, इनकी हरकतें थी कुट खाने वाली, नहीं तो यार जो है ना वो यहाँ पर मेरे साथ नहीं बैठा होता, कहाँ बैठा होता, कहीं घूम रहा था। ऑब्वियसली अगर बच्चे जो है वो कंट्रोल में ना हो तो फिर वो एक मैं कहूंगी कि गलत साइड पर जाना शुरू होता है, तो माँ बाप का ये फर्ज होता है कि अगर बच्चे जो है वो अपनी लाइन थोड़ी चेंज कर रहे हैं तो उनको कुट शुट के या किसी भी तरीके से कान से पकड़ के खींच कर लेकर आए, तो मुझे लगता है कि माँ बाप का ये बिल्कुल राइट है और उनको करना भी यही चाहिए। खैर और पापा की बात हो रही है यहाँ पे, बच्चों की कुट की बात होना शुरू हो गई है, पता चले यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। खैर रक्षाबंधन की अगर बात की जाए तो भाई जरूर मैं जानना चाहूंगा कि रक्षाबंधन में क्या इस तरह के कोई सीन होते हैं, क्योंकि हम जो एड्स देखते हैं तो उसमें तो बहुत अच्छे तरीके से जो है सारा उसमें एक अलग इमोशन से, इसके अगर बात करें इसके एक अलग इमोशन से, मतलब मैं सोच रही थी मैं इतना तैयार शार हो गया रक्षाबंधन के लिए, आगे से इतनी लड़ाई वाली हम लोगों ने वीडियो देखी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप अच्छी अच्छी वीडियो और हमें जरूर सजेस्ट करना जिसमें रक्षाबंधन की जो एक सेरेमनी होती है ना, मतलब जिस तरीके से होती है वो भी हमारे साथ शेयर करना। मेरे हाल में अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस देखी हमने कोई ऐसा व्लॉग या वीडियो नहीं देखी है ना, मतलब जिसमें राखी बांधते हुए कि क्या क्या करते हैं सारी, मेरा निकाल के हमने देखा हो। और दूसरा जो है ना एंड पर जो अम्मा जी जो चपेड़ मार के सारी महफिल में खामोशी करा रहे, बुआ जी के मुंह पे जो स्माइल आती है, ठंड पै गई क्लेश। मुझे ना एक चीज ये लगता है कि अगर दो बहन भाई लड़ रहे हो ना आपस में और दोनों में से मैं हर थप्पड़ की तो बात नहीं करूं, अगर दोनों में से किसी एक की साइड भी ले लेना तो उस बंदे को बड़ा सुकून हो ठंड पड़ती है। वो ना एक पीछे मैंने देखी थी उसमें घर में आग लगी होती है और आगे जो है ना एक औरत खड़ी होती है, उसके ऊपर लिखा था बुआ घर में क्लेश डालने के बाद। वैसे यहाँ पर तो भाई बुआ पे बहुत ज्यादा मीम बनते हैं, मुझे इंडिया मासियों पे भी बनते हैं, मासियों पे थोड़े कम बनते हैं, मौजूद नहीं बनाने वाले बनाते हैं, बट मैंने आज तक जो ज्यादा पढ़े हैं वो मैंने बुआ पर ही पढ़े हैं। तो आप जरूर बताइए कि जो इंडियन बुआ है वो भी क्या ऐसी होती है कि मतलब क्या बोल रहे थे, क्लेश क्लेश मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लड़ाइयां,
क्योंकि यहाँ पर ही होता है ना, शादी ब्याह हो कुछ हो तो भाई अलग से मूड ऑफ जो है वो हो जाया करते हैं। वो सारों के होते हैं, सारों के नहीं बट कुछ लोग मेजॉरिटी कुछ लोगों का तो परमानेंट होता है कि भाई होना ही है। तो आप जरूर बताइएगा हमको कमेंट सेक्शन में, उनके लिए स्पेशल एक रस्म होनी चाहिए, मुंह रखाई मुंह समराई नहीं। खैर आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन आज रक्षाबंधन जो है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है या कौन कल सेलिब्रेट करेगा। और हाँ मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या रक्षाबंधन के फेस्टिवल पे नए कपड़े वगैरह मतलब बनाए जाते हैं या क्या मतलब इंतजाम किया जाता है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।